जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 26 मार्च सन 2023 है। महर्षि संवत सर 106 चल रहा है। विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत उत्तरायण वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि 6:48 सायं पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। आज दिन रविवार है। आज कृतिका नक्षत्र है 4:17 दिन पर्यंत। तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। आज प्रीति योग है 1:47 रात्रि पर्यंत। तत्पश्चात आयुष्मान योग शुरू होगा। आज बब करण है 6:31 प्रातः पर्यंत। तत्पश्चात बालब करण शुरू होगा। सूर्योदय का समय है 5:57 प्रातः। सूर्यास्त का समय है 6:03 सायं। राहु काल का समय है 4:30 से प्रारंभ होगा और 6 सायं तक राहु काल रहेगा। और स्कंद माता को नवदुर्गा में इस पूजा होता है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए इनकी विशेष आराधना होती है। वैसे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। नवरात्रि का दिन चल रहे हैं। इस समय माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियों की आराधना करने से जीवन में स्वास्थ्य, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल, सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ होगा, मन में प्रसन्नता होगी अथवा कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, नौकरी इत्यादि को लेकर के प्रमोशन आदि। अपने परिवारजनों, इष्टजनों का सहयोग आपके लिए प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपका जो धन का व्यय होगा, भौतिक सुख सुविधा के क्षेत्र में धन का खर्च होने वाला है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी दिन अच्छा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव अवश्य रहेगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और इस समय यात्रा आदि भी होगी, लेकिन वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं, चोट चपेट आदि की संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक यात्रा करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन खर्चे की अधिकता, लाभ कम और व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद न करें। अपने समय का सदुपयोग करें, कार्य क्षेत्र में एकाग्रता से कार्य करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा मानसिक चिंता आपको रह सकती है, पारिवारिक कुछ चिंताएं आपको रहेंगी, लेकिन आपका रुके हुए धन की प्राप्ति अथवा आपके पुराने मित्रों का संयोग आपके जीवन में एक प्रसन्नता का कारण भी बनेगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य की अनुकूलता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आध्यात्मिक ध्यान साधना, पूजा पाठ आदि के लिए समय अच्छा है। अपने जनसंपर्क आपका उत्तम रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता रह सकती है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ के वाद विवादों से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य सिंह राशि से इस समय मीन राशि में है, जो कि थोड़ा सा स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ में कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, मन में टेंशन रह सकता है। अपने अधिकारी वर्ग के लोगों से आपका लड़ाई हो सकती है। थोड़ा अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने कार्य के प्रति सक्रिय रहें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा होगा। अर्थ का लाभ होगा, मन में प्रसन्नता होगी और अपने मित्रों के सहयोग से, अपने छोटे भाई बहनों के सहयोग से अपने कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा में जो संलग्न हैं, उनकी उन्नति, उच्च शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल है। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन मिला जुला रहेगा। तुला राशि में केतु बैठे हुए हैं, जो कि एक तरह से वाहन चलाने में सावधानी रखें, चोट चपेट आदि की संभावना बनती हैं। और राहु की दृष्टि है, जो कि स्वयं के निर्णय लेने में कहीं ना कहीं दुविधा जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। यदि आपको
कोई नवीन कार्य करना है तो उसको बचना चाहिए। जो कार्य कर रहे हैं उसमें बदलाव ना करें, उसी कार्य को करते हैं तो आपके लिए अनुकूल होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होगी, क्रोध की अधिकता होगी, मन मुटाव रहेगा, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, पारिवारिक चिंता रहेगी, लेकिन आकस्मिक यात्रा आदि से आपको बचना चाहिए, नहीं तो धन का अत्यधिक लॉस हो सकता है, अत्यधिक खर्च हो सकता है। भूमि भवन वाहन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। धनुराशि, धनुराशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन मंगलमय होगा, स्वास्थ्य की अनुकूलता रहेगी, खर्च मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ में संतान की तरफ से शुभ समाचार, आप जिनकी शादी नहीं हुई विवाह के लिए भी समय अनुकूल है और उच्च शिक्षा अथवा आध्यात्मिक ध्यान साधना के लिए समय अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, जिसको पहले से स्वास्थ्य समस्या है योग डॉक्टर इत्यादि से परामर्श लें, स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही ना करें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा मानसिक टेंशन रह सकता है, उतार चढ़ाव रह सकता है, धन का अत्यधिक व्यय होगा, लेकिन परिजनों का सहयोग आपके लिए उत्तम प्राप्त होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की अनुकूलता, मन की प्रसन्नता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आर्थिक लाभ होगा, लेकिन आपको इस समय कोई भी नवीन कार्य करने से बचना चाहिए, जो कार्य कर रहे हैं उसी को करें। यह रहा द्वादश राशियों का फल। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।